अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीख रहे हैं ऑटोकैड में ये तीन कमांड्स, जिसमें पहली कमांड है ब्लॉक, दूसरी कमांड है इंसर्ट और तीसरी कमांड है रेफेडिट। इन तीनों कमांड्स को यूज करके हम ऑटोकैड में जो भी काम कर रहे हैं अब तक उसको आसान बना सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, देखिए आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले से तैयार है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बल्ब का ऑब्जेक्ट जो पहले से तैयार है, अगर मुझे इसकी कॉपीज करनी है या मुझे इसके साइज को कम ज्यादा करना है, तो अब तो मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि मुझे इसकी अगर कोई कॉपी लेनी है तो उसमें चेंज करूंगा तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने इसकी दो तीन कॉपीज ले ली, मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर किया और एक प्राइस पॉइंट बता दिया, यहाँ से एक दो तीन चार कॉपीज की ले ली, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं इसको चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो मॉडिफिकेशन सिर्फ इस तक ही होगा, बाकी में नहीं हो रहा। दूसरी बात, साइज रिड्यूस करना हो तो काफी सारे ऑब्जेक्ट्स है एकदम नहीं हो पाता, तो इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास ब्लॉक कमांड। ब्लॉक कमांड क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, उनकी एक कॉपी बनाकर अपने पास मेमोरी में सेव कर लेता है और उसे एक डेटाबेस टेबल में डाल देता है, जहां से आप उसको कितनी बार भी तुम्हें एक्सेस करके डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट लोकेशंस में यूज करके आप उसकी मुख्तलिफ कॉपी एज अ रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। और ना सिर्फ इतना, बाकी जितनी कॉपीज आप उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के तौर पर लेंगे, दोबारा से मेन ऑब्जेक्ट को चेंज करके एक ही साथ में तमाम रेफरेंसेस में चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हम इस काम को यूज करना कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ब्लॉक कमांड यूज करनी है, कमांड यहाँ टाइप कर ले PLOCK ब्लॉक, जैसे ही एंटर करेंगे ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नेम देना है, सपोज टू बी डोर M1, ये मैंने इसका नाम कर दिया। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ब्लॉक ऑब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्शन में लेना है और क्लिक करके एंटर का बटन दबाना है। इसके बाद इसका बेस पॉइंट बताना है, बेस पॉइंट जो ऐसा होगा जहां से आप इसको नेक्स्ट टाइम रेफरेंस करेंगे, क्रिएट करते हुए बेस पॉइंट में आप ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये पोजिशन, ये पोजिशन, कोई भी एक पोजिशन बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ये कॉर्नर या ये कॉर्नर में से एक बेस पॉइंट बता दिया। इसके बाद यहाँ पर रोटेट, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट के ऑप्शन, तीन आपके पास ऑप्शन बटन है, आप इसमें से डिलीट वाला ले लें। आपको ये बता रहा है कि इस सारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर तकरीबन 19 ऑब्जेक्ट्स शामिल है, जिससे मिलकर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और साथ साथ दो मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे इसको डिलीट पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये स्क्रीन पर से गायब हो जाएगा। आपको यूज करनी है इंसर्ट कमांड, जिसकी शॉर्टकट की है आई। कमांड है इंसर्ट और शॉर्टकट की क्या है, आई। जितने भी ब्लॉक ये है ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि ब्लॉक कमांड से उनका रेफरेंस होगा वही आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, इंसर्शन पॉइंट, स्केल, रोटेशन। इंसर्शन पॉइंट में आप अपने स्क्रीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको लॉन्च कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि एक्स 200 हो और वाई 300 की पोजीशन पे वो उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी तरीके से स्केल, स्केल में दो ऑप्शन है। अच्छा, ये स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप चेक लगाते हैं स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, तो ये जाहिर हो रही है बात इसकी मीनिंग है कि आपका जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा उसको खुद आप स्क्रीन पे माउस की मदद से स्पेसिफाई करेंगे। कैसे, देखिए ठीक है, और क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। और अगर इसी चीज को आप यहां से लेकर खुद बताना चाहें
कि भाई x 200 नहीं 400 पर और y की पोजीशन तकरीबन 50 पर और उसको कॉपी करेंगे तो फिर ये उसी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो ये चीजें आपको समझ में रखनी है। दूसरा ऑप्शन जो है, दोबारा से आप इंसर्ट कमांड आई लिखते या दो अक्षर लिख के एंटर करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर आप यहां से ऑन करते हैं और यहां से दूसरा ऑप्शन लेते हैं स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन स्केल, तो आपका एक्स वाई और जेड यानी कि 3D मोड में आप जेड को बताने की जरूरत है जबकि 2D मोड में सिर्फ एक्स और वाई को बता दीजिए आपका काम हो सकता है। अगर आप 1 और 1 पोजीशन पर ओके कर रहे हैं इट मींस कि जैसा कि ऑब्जेक्ट आपने ब्लॉक करके लिया था उसी को आप रिटेन करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे अगर मैं इसको ओके करता हूं तो देखिए सेम साइज का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है और क्लिक करने पे वही ऑब्जेक्ट इसके बराबर में पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अंडू करके मैं इसको थोड़ा यहां रखता हूं और दोबारा से आई या पूरा इंसर्ट की जैसे एंटर करूंगा तो इंसर्ट कमांड लॉन्च हो जाएगी और यहां से अब मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी मॉडिफाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी विड्थ 0.75 रखना चाह रहे हैं जबकि हाइट सेम रखना चाह रहे हैं और उसको ओके कर देंगे तो देखिए अब ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको बार बार ऑब्जेक्ट डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है, डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो आप इसके साइज को भी यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि अगर मैं इसका मेजरमेंट लेता हूँ और दोबारा से लीनियर कमांड को एक्टिवेट करके इसकी मेजरमेंट लेता हूँ यहाँ क्लिक करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि दोनों की जो मेजरमेंट साइन है वो डिफरेंट होगी। ओके, तो अब यहाँ से क्लोज करें तो आपको क्लियर पता चल गया कि 36 इंच मीन्स 3 फीट और 48 इंच मींस 4 फीट इसके साइज के डाइमेंशन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर दोबारा से आप आई या इंसर्ट कमांड लिखकर लॉन्च करते हैं तो आप यहां पर विड्थ के साथ साथ हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डोर आप 4x7 का चाहते हैं, 4 एग्जैक्ट क्योंकि उस टाइम हमने देख लिया था और 7 के लिए सिर्फ 1 फीट एक्सटेंड करना है तो 1.25 एक्सटेंड करके आप इसको ओके करेंगे स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करके आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट इससे काफी ऊपर है। दूसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इससे आपका एक बड़ा मसला हो सकता है अगर आपने सेम पैटर्न के सेट पैटर्न के आपने डोर्स एंड विंडोज क्रिएट करने हैं तो सिर्फ आपको साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत है, यही ऑब्जेक्ट ऐसा करो ये ऑब्जेक्ट ऐसे करो यूज हो सकता है। सेकेंडली अगर आप इसके अंदर आई या इंसर्ट कमांड कर ओरिएंटेशन भी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई अगर आप इसको इस तरह से 90 डिग्री पर चाहते हैं तो साइज आप चेंज कर सकते हैं, 0.5 मैंने कर दिया या 2.5 कर दिया दोनों साइड से और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो x को मैंने थोड़ा बड़ा रखा 0.5 पर और y को मैंने 0.5 पर रखा और यहाँ से एंगल भी मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 90 माइनस 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मैंने क्रिएट किया तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ। ठीक है, और अगर दोबारा से मैं इंसर्ट कमांड को यूज करता हूँ आई और यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल यूज करते हुए और मेरी यहाँ पर x की पोजीशन को वही रखा जबकि y की पोजीशन को उसको हाफ करके ओके किया तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे स्ट्रेट था और इस तरह से माइनस 90 डिग्री पर ये इस तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है और ये मुख्तलि छोटे कर्व या खासतौर पर पैकिंग लेजर्स के लिए या कोई आपने जैसे ओपन होल छोड़ा होता है कबर्ड वगैरह का ऊपर की तरफ उसके लिए भी आप ये चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक बड़े मसले का आसान सा सलूशन आपको मिल गया क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मैप के अंदर आप बार बार यूज कर रहे हैं बार बार चाहिए तो वाइन के आप उसको एक दफा क्रिएट करके ब्लॉक में डाल दें और फिर जगह जगह चाहिए वो आप इंसर्ट कमांड से आपको भी उसको रिटेन करते रहे। सेकेंड चीज ये है कि
इसमें और अच्छी बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एडिट करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट उससे रेफरेंस हुए हैं, मतलब इसका तो एक मेन ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर रखा है, ये सब उसके रेफरेंसेस हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। हम मेन ऑब्जेक्ट को जैसे ही चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो चेंजेस हो जाएंगे। उसके लिए जो कमांड है हमारे पास वो है ref edit। जैसे ही ref edit कमांड को हम यहाँ लिखेंगे ref edit, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको पहले हमें जो उसका उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना होगा। मतलब सपोज अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट उसका नाम रहेगा और आपको कहेगी yes। उसके बाद आपके पास ये पैनल खुल जाएगा नाउ स्टार्ट एडिटिंग। मतलब आप देखेंगे कि अब आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट नजर आएगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो अब आप क्या चेंज कर सकते हैं, व्हाट आर द चेंज, इसके ब्लॉक खत्म कर दें, इसकी साइज जो डिजाइन को चेंज कर दें, कोई मॉडिफाई कर दें, वो कर लें, या इसमें आपने जो एडिटिंग किया हुआ दो पैनल है वो एड कर लें, या ज्यादा कुछ नहीं, आप उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से उस चेंजेस को सेव रेफरेंस पैनल पे क्लिक करें और जैसे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस से चेंज हो गए। चेंज होने के बाद हम सभी परफेक्ट कमांड लिखते हैं, आइए हम इसके अंदर एक ब्लॉक भी ऐड कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ओके करते हैं। हम यहाँ से इसके अंदर एक सिंपल सा डिजाइन क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक करके मैंने एक अंदर जो है इसका सेंटर पॉइंट लेना था, यहाँ से मैं उसको डिजाइन दे देता हूँ, ये डिजाइन मैंने इसको क्रिएट कर लिया और इसको क्लिक करके मैंने इसका जो कलर था वो थोड़ा न्यू कर दिया एंड देन मैंने इसको सेव करके ओके किया। तो आप देखेंगे कि तमाम ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट साइजेस के अंदर वो ऐड हो चुका है। तो ये था हमारा आज की क्लास के ब्लॉक कमांड क्या काम करती है, ब्लॉक कमांड से किसी मल्टीपल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पीसेस में हो जाए उसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंसर्ट कमांड से उसके कई रेफरेंसेस हम स्क्रीन पर ले सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट रोटेशंस में, और रेफेडिट कमांड से उस ऐड किए हुए ऑब्जेक्ट को हम एडिट कर सकते हैं। व्हाटएवर चेंज किस तरह का भी हो, साइज चेंज करना हो, साइज की तो बात ही छोड़ दें, बल्कि उसका डिजाइन चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, कि किसी भी किस्म का चेंज करना हो, करने के बाद सेव करके जब आप बाहर आएंगे उसके तमाम रेफरेंसेस में वो चीज हमें मिलेगा। ठीक है, तो लॉग